हजार मेगावाट जो है दो हजार अठारह के शुरू तक इंशाला सिस्टम में ले आएंगे मर असल नाजीन आप देख रहे हैं नाइनटी टू एट एट विदिया नाजीन एक जाने मुल्क में पैनमा लीक्स के बाद सियासत में गर्मी बढ़ती चली जा रही है और दूसरी जानब हकीकता अगर मौसम की बात करें तो मौसम में गर्मी जो है वो शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है और साथ ही साथ बिजली की लोड शेडिंग का जो जिन है वह भी काबू से बाहर होता चला जा रहा है शहरों की अगर हम बात करें तो आठ घंटों से जायद पाकिस्तान के शहरी इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है जबकि हुकूमत का दावा था कि इससे कम और ऐलानिया लोड शेडिंग का दावा अभी भी जो है वो हम सुन रहे हैं लेकिन बाज ऐसी जगह हैं ऐसे शहर हैं जहां पर गैर ऐलानिया शेडिंग अभी भी हो रही है और फिर देहातों में गांव में क्या हाल होता होगा इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं बात यहीं पर खत्म नहीं होती हर साल की तरह हम देखते हैं कि आवाम इस बार भी बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर आ रहे हैं लाहौर समेत मुख्त शहरों में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे हुए लोगों ने एहत किया जब गर्मियां आती है तो बिजली की लोड शेडिंग का मामला जिससे हमें निमटना पड़ता है और जब सर्दियां आती हैं तो गैस की लोड शेडिंग गैस की बंदिश जो है वो عوام के लिए एक मसला बन जाती है परमानेंट सॉल्यूशन जिसके दावे बहुत ज्यादा किए गए खासकर पीएमएलएन की हुकूमत से पहले और इनकी इलेक्शन कैंपेन में जो मेन नारा रहा वो भी यही था लेकिन अभी तक इस पर काम हुआ नहीं जो काम हुए हैं या जिस तरीके से पी कहती है कि हमने बहुत सारे मनसूबों का अफ्त किया है तो ज़रा उस पर भी रोशनी डालते हैं कि जो पी की हुकूमत की जानब से अभी तक बिजली के जो मनसूबे शुरू किए गए बेशतर ऐसे हैं जिन पर शायद काम हो रहा है ऐसे भी हैं जिनका जिनकी सिर्फ संग बुनियाद रख दिया गया तख्तियाँ लगा दी गई फ़ीते कट गए फीते लेकिन उन पर काम ही शुरू नहीं हुआ ज़रा नज़र डालते हैं चंद एक प्रोजेक्ट्स आपके सामने रखते हैं सबसे पहले पोर्ट कासिम कोल कोल्डायर प्लांट 2014 में इसका अफ्त हुआ था 1300 मेगावाट बिजली पैदा करने का यह प्लांट और इस पर काम 2017 में मुकम्मल होगा सूखे किनारी हाइड्रो पावर दो में इसका अफ्ताह हुआ आठ मेगावाट बिजली पैदा करने का यह मनसूबा और अभी इस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है साहिवाल को, कोल फायर्ड प्रोजेक्ट 2015 में अफ्ताह हुआ 1300 मेगावाट बिजली फराहम करेगा ये मंसूबा 2017 में मुकम्मल होगा एग्रोथर कोल फायर्ड यह आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ने मिलकर इसका अफ्त किया था 660 मेगावाट बिजली पैदा करने का यह प्रोजेक्ट 10 मेगावाट की पैदावार इसमें से शुरू हुई है और 2017 के आखिर में बताया ये जाता है कि 100 मेगावाट पैदावार इस प्लांट से होगी मुजफ्फरगढ़ कोलफायड एक हजार मेगावाट बिजली फराहम करने का यह मंसूबा 2015 में इफ्तता हुआ संग बुनियाद इसका रख दिया गया लेकिन इस पर काम शुरू नहीं हो सका गवादर कोलफायड प्रोजेक्ट तीन सौ मेगावाट बिजली फराहम करने का मनसूबा दो हजार चौदह में इसका अफ्त हुआ संग बुनियाद रखा गया तख्ती लगी लेकिन काम शुरू नहीं हुआ कायद आजम सोलर पार्क 2015 में जिसके काफी चर्चे भी हुए तनकीद भी हुई 1000 मेगावाट बिजली फराम करने का यह मंसूबा 100 मेगावाट का अफ्त हुआ था जो कि सिर्फ 16 से 17 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है फिर आगे चलते हैं यूनाइटेड एनर्जी विंड पावर कराची 2015 में इसका अफ्त हुआ कहा गया 100 मेगावाट बिजली फराहम करेगा संग बुनियाद रख दिया गया लेकिन इस पर भी काम शुरू नहीं हो सका दादू विंड पावर कराची Uh, 2015 में अफ्ताह हुआ पचास मेगावाट बिजली फराहम करने का इससे दावा किया गया संग बुनियाद रखा गया लेकिन इस पर भी काम शुरू नहीं हुआ सच्चल विंड पावर पचास uh, मेगावाट बिजली फराहम करने का मनसूबा इसका भी संग बुनियाद रखा गया लेकिन काम शुरू नहीं हुआ uh, सन क्विंट दो हज़ार चौदह में अफ्तह हुआ पचास मेगावाट बताया गया बिजली इससे पैदा होगी तख्ती जरूर लगी लेकिन काम शुरू नहीं हुआ रहीम यार खान कोल फायर प्रोजेक्ट 2016 में इफ्ता हुआ 1320 मेगावाट बिजली फराहम करने का ये मंसूबा इसका भी सिर्फ और सिर्फ संगे बुनियाद रखा गया लेकिन काम शुरू नहीं हुआ फिर इसके अलावा एसएसआरएल थर कोल फायर प्लांट 1320 मेगावाट बिजली फराहम करने का वादा और दावा संगे बुनियाद हुआ लेकिन काम शुरू नहीं हुआ करोड हाइड्रो पावर सात सौ बीस मेगावाट बिजली फराहम करने का कहा गया संग बुनियाद रख दिया गया लेकिन काम शुरू नहीं हो सका गुलपुर हाइडल प्रोजेक्ट दो हज़ार पंद्रह में इसका इफ्तः हुआ एक सौ दो मेगावाट बिजली फराहम करने का यह मनसूबा uh, इसका दो हज़ार पंद्रह में तो संग बुनियाद कर दिया गया जो कि कहा जा रहा है कि दो हज़ार सत्रह में मुकम्मल होगा गोलंगोल हाइडल प्रोजेक्ट दो हज़ार चौदह में दो हज़ार ग्यारह में इसका आगाज़ किया गया और एक सौ छः मेगावाट बिजली फराहम करने का मंसूबा है इसकी तकमील बताया ये जाता है कि इस साल के आखिर तक होगी नीलम जहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट नौ सौ उनहत्तर मेगावाट बिजली फराहम करने का ये मंसूबा 2008 में इसका आगाज़ हुआ था और जून 2017 में ये मुकम्मल होगा कुरम तंगी प्रोजेक्ट आ, तिरासी मेगावाट बिजली फराहम करने का ये मंसूबा और इसका आगाज़ अभी होना है 2017 में जबकि 2022 में बताया ये जा रहा है कि ये मुकम्मल होगा तो इसमें एक ऐसा मंसूबा आपने आखिर में देखा जिसका आगाज होना है कुछ ऐसे हैं जितनी मेगावाट बिजली फराहम करने का बताया गया था उससे काफी हद तक कम बिजली फराहम हो रही है और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो भी आपको बताए गए हैं इसके अंदर कि जिन पर अभी तक काम ही शुरू नहीं हो सका है और ऐसी फहरस्त जो है वो काफी लंबी है इसके अलावा मौजूदा हुकूमत के हवाले से जो इनके इलेक्शन कैंपेन में बातें की गई थी जो दावे किए गए थे और जिस तरीके से पिछली हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाता था इस एक अहम मसले पर बिजली की फरहमी के मामले पर बिजली की लोड शेडिंग के मामले पर उस वक्त नवाज शरीफ साहब और शहबाज़ शरीफ़ साहब क्या कहते थे ज़रा वो भी सुन लीजिए छह महीने में बिजली के लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। मैं डेढ़ साल में बिजली का खत्म कर दूंगा तो दो साल में बिजली के अंधेरे ना खत्म किए तो मेरा नाम शरीफ नहीं है तीन साल में बिजली का लोड शेडिंग खत्म करना की तो मेरा नाम जवाब शरीफ नहीं है अगर आप नवाज शरीफ को अल्लाह के फजल से वजीर आजम करवाएंगे तो मैं इंशाल्लाह दो साल में अंधेरे न खत्म कर सका तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है कम से कम अरसे में हम लोड शेडिंग की लानता हमेशा के लिए खात्मा करेंगे वजेर अजम अगर आप नवाज शरीफ साहब को मंतख कराएंगे तो आवाम को बताया गया था कि बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा अभी तक तो नहीं हुआ दो हजार सोलह है दो हज़ार अठारह तक जो टेन्योर है पी एम एल एन की इस हुकूमत की नवाज शरीफ साहब अब ये कहते हैं कि तब तक ये मामला जो है वो हल हो जाएगा इसी हवाले से वजी अजम के मुशीर डॉक्टर तर्जुमान जो है उनके डॉक्टर मुसदक मलिक साहब उन्होंने भी एक बात की थी वो भी जरा सुन लीजिए अपना ये पोलिटिकल टेन्योर खत्म होने से पहले पहले हम लोड शेटिंग का शेटिंग का लफ्ज जो है वो अपनी पाकिस्तानी लुगत में से निकाल देंगे ये हम चाहते हैं और ये हमारा वादा है कि इस पोलिटिकल टाइम के अंदर हम ये इनशाला करना चाहेंगे और इन होगा जी जनाब डॉक्टर मुसदक मलिक साहब कह रहे थे कि 2018 यानी कि जो पी एम एल एन का टेनोर है उसके खत्म होने से पहले ये जो लोड शेडिंग का लफ्ज़ है ये हम अपनी लुगत से अपनी डिक्शनरी से निकाल देंगे तो देखते हैं कि क्या वाकई हम उस जाने बढ़ रहे हैं जैसे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट मैंने आपको बताई कि बहुत सारों पर तो अभी काम ही शुरू नहीं हुआ इसके अलावा एक और चीज़ भी जो कि आवाम को बहुत ज्यादा टीवी पर कमर्शल्स की सूरत में पेड एडवर्टीजमेंट की सूरत में सुनाई जाती रही 2013 के इंतबात से पहले जो कि पीएमएलएन के, के कैंपेन का एक गाना था एक नगमा था जरा वो भी सुनिए तुमसे अपना ये वादा है मेरे वतन, मुल्क से अंधेरे मिटाने हैं तो शेर पर ठप्पा लगाएं जिन्होंने शेर पर ठप्पा लगाया आज क्या वो मुतमीन है बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो गई है इसी हवाले से ज़रा 2013 में जब इंतखाबात हुए थे यानी जब पीएमएलएन की हुकूमत इकतदार में आई थी तो उस वक्त जो सिस्टम की कैपेसिटी बताई जाती थी वो इक्कीस हज़ार मेगावाट बताई जाती थी जो री कैपेसिटी बताई गई वो उन्नीस हज़ार मेगावाट बताई जाती थी और दो में जब आज हम ये बात कर रहे हैं तो कैपेसिटी तेईस मेगावाट और डी कैपेसिटी जो है वो उन्नीस मेगावाट और ये हुकूमती दावा है ये उन्नीस मेगावाट की जो मैं आपको बात बता रही हूँ लेकिन असल में जो मुख्तलफ़ आज़ाद फिगर्स जो है, वो कोट किए जाते हैं वो बिजली की प्रोडक्शन इस वक्त जो बताई जाती ट है और आज इसी हवाले से मुख्तलिफ अखबार में लिखा भी गया था कि पावर शॉर्टफॉल जो है वो एक अंदाजे के मुताबिक छह हजार मेगावॉट से जायद हो चुकी है आठ घंटों से ज्यादा की लोड शेडिंग जो है वो पाकिस्तान के शहरी इलाकों में की जा रही है एक और चीज़ एक और अखबार की कटिंग इनफैक्ट जो कि आजकल वायरल बहुत हुआ हुआ है और सोशल मीडिया पर इसके चर्चे भी हैं लोग इस पर तबसरे भी कर रहे हैं ये डॉन का बिज़नेस रिव्यू और जनवरी यकम जनवरी उन्नीस की ये खबर है आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर लोड शेडिंग प्रॉब्लम टू बी सॉल्व बाई नाइनटीन यानी उन्नीस में यह हमें बताया जा रहा था कि 1986 जून के एंड तक बिजली की जो लोड शेडिंग का मसला है वो हल कर लिया जाएगा क्योंकि 1300 सौ जो है वो सिस्टम में मजीद ऐड की जा रही है उस वक्त के मिनिस्टर फॉर प्लानिंग महबूबुल हक साहब की जानब से यह दावा किया गया था तो आज जनाब उन्नीस के बाद आज हम 2016 में ये बात कर रहे हैं तीस इकतीस साल गुजर जाने के बाद भी ये मामला उसी तरीके से अवाम को परेशान किए हुए है तो क्या आने वाले सालों में आने वाले महीनों में आने वाले दिनों में अवाम ये उम्मीद रखें कि इसका परमानेंट हल मिलेगा आज जिस हवाले से बात करेंगे पहले मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवा देती हूं हमें लाहौर में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का मियाँ मनान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसलाबाद में एम एन ए है पाकिस्तान मुस्मिंग नवाज़ से आपका तल्लु है आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बेहद शुक्रिया और मियाँ महमूदुररशीद साहब भी हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं पी टी आई के सीनियर रहनमां हैं और कायद हजब अख्तिलाफ़ हैं पंजाब असम्बली में एक मुख्तर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आते ही इस टॉपिक पर अपनी गुफ्तू का आगाज करेंगे स्टेट tuned. वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद डॉक्टर साहब आगाज़ आपसे करना चाहूंगी जो अभी हमने डॉन का एक क्लिप देखा उन्नीस सौ पचासी में आवाम को यह बताया गया था कि अगले साल यानी उस वक्त उन्नीस सौ छियासी में तेरह सौ मेगावाट सिस्टम में ऐड कर दिए जाएंगे और बिजली आ जाएगी और आज जबकि ज़रूरत कई हज़ार मेगावाट बिजली की है मज़ीद और तीस इकतीस साल के बाद भी वही दावे हम सुन रहे हैं कितनी सदाकत है इसमें आपको कितनी ये चीज़ पूरी होती नजर आ रही है जो दावा किया जा रहा है देखिए एक्चुअली जो अभी आपने बात की ना कि हमारे पास इस वक्त तेईस हज़ार मेगावाट की कैपेसिटी है जिसमें से आप कह रही हैं कि उन्नीस हज़ार जो है वो डी रेटेड कैपेसिटी है तो डी रेटेड कैपेसिटी को भी अगर हम मान लेते हैं कि उन्नीस हज़ार है तो फिर हम चौदह हज़ार भी हुकूमत का क्लेम है बिल्कुल तो चौदह हज़ार जो है उसमें देखें क्राइसिस ये शुरू हुआ था जब ऑयल की प्राइसिस सौ डॉलर पर बैरल से ऊपर गई हैं और उसकी वजह से आपकी इकॉनमी जो है वो खासे हद तक डिसरप्ट भी हुई है और उसकी वजह से आपका सर्कुलर डेट बना और उसकी वजह से आप इंपोर्ट तेल की इंपोर्ट भी आप करने के काबल नहीं रहे लेकिन जब तेल की कीमत 40 डॉलर पे आ जाए या 45 कर लें आजकल की जो प्राइस चल रही है और तेल तो इस वक्त ये जो हम कोले के प्लांट्स लगा रहे हैं उससे भी सस्ती बिजली तो तेल से ये बन सकती है जो आपकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में आपके छः 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 सात रुपये में वो बिजली बन सकती है लेकिन हैरत की ये बात है कि ये जो निज़ाम है हमारा बिजली का और मैं कहूँगा मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर से लेके नीचे तक तो कंपनीज तक ये सारे का सारा ही बिल्कुल खोखला हो चुका है और इनसे ये मैनेज ही नहीं हो पा रहे क्योंकि वो क्राइसिस की जो वजह थी वो तो ख़त्म हो गई सो आई थिंक अब तो हमें प्रोडक्शन पूछना चाहिए कि भाई आज की प्रोडक्शन चौदह हज़ार क्यों हुई हालांकि उसमें से चौदह हजार में से तकरीबन चार साढ़े चार हजार तो हाइडल की थी तो थर्मल किधर चले गया जिसको जिसके लिए अब तेल इतना सस्ता है और क्यों नहीं हमने ये ये तो इनकी खिंचाई होनी चाहिए ये हमारी जितनी भी ये जन जनरेशन कंपनीज हैं, हैं खिंचाई होनी और दूसरी बात है आप ले, ले ले लेते मियां अब्दुल मनान साहब से फिर फिर मियाँ महमूदुर रशीद साहब से भी जानेंगे मियाँ मनान साहब ये फरमाइएगा जो डॉक्टर साहब ने बात की बहुत आ, अच्छे अंदाज में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि चले मसला उस वक्त जब तेल की कीमत ऊपर चली गई थी एक और बात समझ में आती थी अब जबकि तेल की कीमत भी नीचे आ गई तो फिर भी प्रोडक्शन उस लिहाज से क्यों नहीं हो रही तेल से बिजली पैदा करने की तरफ हम क्यों नहीं गए फिर भी हम कोयल फायर प्रोजेक्ट्स की जानब जो है वो ज़्यादा पड़ गए देखें हमने जब कोल पावर प्रोजेक्ट्स पे किया उस वक्त तेल अभी महंगा था तेल बाद में सस्ता हुआ दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब मुझसे बेहतर समझते हैं ये फिनांस को और बाकी मामला को पिछली में डील करते रहे हैं हमारे पास एन में जो ट्रांसमिशन की कैपेसिटी है वो पंद्रह हजार से ऊपर जाती नहीं और जब भी हम पंद्रह हजार मेगावाट से ऊपर बिजली पैदा करने की कोशिश करते हैं तो ट्रांसमिशन में जाकर ट्रिपिंग शुरू हो जाती है और ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में इतनी शदीद ट्रिपिंग होती है कि फिर जो बिजली हम बना रहे होते हैं उसका भी शहरों तक या दूसरे एंड पॉइंट तक पहुँचाना मुश्किल हो जाता है तो अब सबसे ज़्यादा जरूरत यह है कि आपको एन पे आपका जो सिस्टम है ग्रिड स्टेशन नए बनाना नए बड़े ट्रांसफार्मर लगाना और नई लाइन बिछाना उस पर भी काम हो रहा है और जब तक वो काम मुकम्मल नहीं होगा आप जब भी पंद्रह हज़ार मेगावाट बिजली से ऊपर जाएंगे आपको इन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा सर तो ये ये सवाल तो फिर एक और चले आपने खुद ही दे दिया ये हुकूमत से करना चाहिए हमें ही करना चाहिए कि वाकई जब आप मजीद बिजली सिस्टम में ऐड करेंगे तो वो उसका बोझ ही नहीं सह सकते हैं वो आपने जिस तरीके से कहा ट्रांसमिशन लाइंस के हवाले से बात की तो ये किसने करने आप कह रहे हैं करना पड़ेगा जब तक ये नहीं होगा तब तक ये मसला हल नहीं होगा तो कौन करें देखें अगर मैं आज फैसलाबाद में अगर इस्लामाबाद में होता तो मैं आपको कंप्लीट डाटा देता कि कितने ग्रिड स्टेशन हम बना चुके हैं कितने बना रहे हैं और कब तक ये एन टी का नेटवर्क जो मुकम्मल होगा और कहां कहां हमें ट्रांसफार्मर बदलने की जरूरत है हमने फैसलाबाद में अभी पिछले हफ्ते ग्रिड स्टेशन पर चार सौ मेगावाट से हमने एक हज़ार मेगावाट तक का ट्रांसफार्मर बदले है और आता बदल रहे हैं देखें ये चीज़ें रातों रात ना बनती हैं ना इंपोर्ट होती हैं जो कंपनियां बैन अल्कामी तौर तो पर डॉक्टर साहब को पता है ये पासपोर्ट पूरा सामान बनाती हैं वो हमें भी साल साल का टाइम देती हैं कि हम आपको ये जो बनाएंगे इक्विपमेंट ये फलान डेट को डिलीवर करेंगे ठीक है चलें बिल्कुल सही है फिर मियाँ महबूदुलरशीद साहब जिस तरह अब्दुल मनान साहब फरमा रहे हैं कि ये रातों रात चीज़ें ठीक नहीं होती तो आवाम फिर मजीद कितने दिन कितनी रातें इसी गर्मी में काटे और उन्नीस से मैं आपको जो मैंने आपके सामने डॉन का आ, की ख़बर भी रखी कि उन्नीस से आवाम यही सुन रही है तीस इकतीस साल में तो फिर इस हुकूमत के ख़ासकर वज़ी अजम साहब का ये जो दावा है कि 2018 तक बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी तो वाकई आपको नज़र आता है कि ये दावा जो है सच्चा साबित होगा देखिए मैं ये समझता हूँ जी कि इसमें कुछ थोड़ी सी कमी तो शायद आ जाए लेकिन जिस तरह आपने आगाज़ में एंट्रो के अंदर बताया है जितने ये पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 80 परसेंट पर तो अभी तक काम शुरू नहीं हो सका यानी अगर आपके जो शुरू में आपने जिन प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया उसमें 80 फ़ीसद ऐसे मंसूबे हैं जिन पे तख्तियां तो लग गई लेकिन उस पर काम शुरू नहीं हो सका अगर काम शुरू नहीं हुआ तो आप अंदाज़ा कर सकती हैं ये तीन साल से ज़ायद इनकी हुकूमत को हो गए हैं और डेढ़ दो साल अगर ये रहे तो ये मज़ीद इन्हें टाइम मिल भी जाए तो ये किस तरह से कम्प्लीशन होगी मैं ये समझता हूँ जी कि इसमें बुरी तरह से ये हुकूमत जो है ये एक्सपोज भी हुई है और नाकाम भी हुई है इसलिए कि ये जितने भी दावे कर लें नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट उसका जो तमाशा पूरी कौम ने देखा अरबों रुपया उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई प्राइम मिनिस्टर से अनोग्रेट भी करवा लिया पंद्रह दिन के बाद वो ठुस होकर बैठ गया अभी तक वो बंद पड़ा है बाकी जो मंसूबे हैं पूरी दुनिया कोल पावर जनरेशन को वो छोड़ रही है इसमें एनवायरनमेंट के इतने मसले हैं पानी की हमारे शॉर्टेज है लोग बीमारियों में मुबतला होंगे लेकिन अमेरिका कनाडा के अंदर ये सारे मंसूबे आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो रहे हैं ये आउटडेटेड हो गए सारे लेकिन हम उसके पीछे भी लगे हुए हैं फिर तीसरी बात ये है कि जिस तरह मियाँ मनान साहब खुद मान रहे हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी थी ट्रांसमिशन जो आपका नेटवर्क है उसकी कैपेसिटी को एनहांस करना तो ये तो साथ साथ पैरेलल होना चाहिए था ना क्या ये इनके इलम में नहीं था जो इनके डिपार्टमेंट हैं जो इनके एक्सपर्ट्स हैं जो इनके कंसल्टेंट हैं जो ये सारी कंपनियां हैं इनके इलम में नहीं था ये पंद्रह हज़ार से मेगावाट से ज्यादा ये उठा नहीं सकती बोझ और आखिरी बात मैं ये अर्ज करूँगा कि ये जो लोड मैनेजमेंट है ये इस पर भी टोटल फेलियर है गवर्नमेंट आज भी हज़ार दो हज़ार मेगावाट बिजली जो है उसको कंट्रोल करके मुख्तफ तरीके अख्तियार करके मसला मार्केटें हैं कौन इन्हें कहता है कि आप आठ बजे तक पूरी दुनिया के अंदर आप जहाँ चले जाएँ आप यूरोप चले जाएँ आप जिधर भी चले जाएँ वो सनसेट के बाद सारी मार्केटें बंद हो जाती हैं सुबह आप नौ बजे दुकानें खोलें रात आठ बजे आप दुकानें बंद कर दें ये जो बहुत बड़ा एक फैक्टर है लोड शेडिंग में बड़ी हद तक हज़ार डेढ़ हज़ार मेगावाट आपके ठीक है लेकिन आपको हो याद होगा पिछले पिछले दौर में ये किया भी गया था और मार्केटें बंद कराने का जब मामला आया था तो उस पर भी एक ताजर बिरादरी की तरफ से एहतजा शुरू हो गया था लेकिन बहरहाल उस पर उस पर भी दो आरा जरूर हमारे सामने आती है एक ब्रेक ले लें ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर डॉक्टर साहब से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हुकूमत ये नहीं कर पा रही या इस मसले का इद्राक जो है वो नहीं हो पा रहा तो फिर कौन करेगा आखिर तख्तियां लग रही हैं प्रोजेक्ट्स का अफ्तार जरूर हो रहा है लेकिन आवाम की हालत इजार में बेहतरी नहीं आ रही एज फार एज दिस बिजली इशू इज कंसर्न इस पर बात होगी एक वक्फे के बाद <स्याग> वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आहमदीद डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि वज़र अजम साहब ने तो इंतबाब से पहले अपनी कैंपेन के दौरान इस बात का कई बार जिक्र किया कि हमारे पास बड़ी कॉम्पिटेंट टीम जो है वो मौजूद है हर शोबे के लिए तजुर्बाकार टीम जो है भरपूर सलाहियतों से मालामाल है जनाब तो ये जो अफ्त हो रहे हैं मनसूबों के इस हवाले से क्या वज़ी अजम साहब को बताया नहीं जाता उन्हें कहते हैं कि जी सर ये कल मनसूबा है इससे इतने मेगावाट बिजली फराम होगी वज़ी अजम साहब चले जाते हैं लगती है फीता कटते हैं वो वहाँ जलसे से भी कर देते हैं लोगों को भी बता देते हैं कि कैसे उनकी ज़िंदगियों से अंधेरे जाएंगे लेकिन बाद में पता चलता है कि वज़ीर आज़म के नीचे जो मशीनरी है मिनिस्ट्री जो है वो बहुत कमजोर है उसके बाद अदारे जो है उनमें प्रोफेशनलिजम जो होनी चाहिए वो नजर नहीं आई और इसके बहुत से मसले मसाइल हुए हैं और आपको पता होगा कि चंद माह पहले तो बल, वहाँ जंग हो रही थी कि, कि कभी वज़ीर साहब जो थे वो नाराज थे क्योंकि पंजाब का चीफ मिनिस्टर उसमें शामिल हो जाते थे कभी वो मुश्दक साहब बीच में आ कूदते थे तो एक खिचड़ी वहाँ पे पकी हुई थी और ये इसने वज़ीर आजम को बड़ा अंडरमाइन किया है इस मैनेजमेंट ने क्योंकि असल मसला तो है ही मैनेजमेंट का क्योंकि अगर आपको पता है कि जब सर्कुलर डेट पे हुआ था उसका आइडिया यही था कि अगर आप ये सर्कुलर डेट पे कर देंगे तो फिर ये बिजली सारी की सारी प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी और उसी वक्त पता लग गया था कि ट्रांसमिशन में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अगर सारे चल पड़ेंगे तो वो ले ही नहीं आगे जा सकता तो फिर क्यों नहीं ये मिनिस्ट्री ने और प्लानिंग डिवीजन ने ये क्यों नहीं किया कि आ, हंगामी बेसिस पे ट्रांसमिशन को इम्प्रूव करते और ताकि जो आ, सर्कुलर डेट क्लियर हुआ था उसकी वजह से फिर एक्स्ट्रा जो कैपेसिटी कप, थी वो पूरी तरह से इस्तेमाल होती सो so, एक चीज़ तो ये है कि प्लानिंग जो है वो बहुत कमज़ोर थी दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक कि इसमें जो नंदीपुर के साथ हुआ वहाँ पे ये भी अखबारों में आया कि जिस फ्यूल के ऊपर उसने चलना था जिसके ऊपर वो डिज़ाइन किया गया था एक गलत फ्यूल उसमें डाल दिया गया और उससे उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ तो उसकी भी कोई अकाउंटबिलिटी हमें नज़र नहीं आ रही और अब तीसरी बात ये है कि जो बनने थे वहाँ पे गद्दानी में छः हज़ार मेगावाट वहाँ लगना था पूरा जी, एक निज़ाम बनाया गया वो भी एक सडनली गैब हो गया पिक्चर से नज़र नहीं आ रहा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोले की जो बिजली आ तो जाएगी लेकिन दुनिया में अब कीमत जो बिजली की है वो गिर रही है बड़ी तेज़ी से अगर आप देखें कि पिछले हफ्ते ये मनान साहब से भी मेरी बात हुई थी इस पर और इन्होंने भी इसके ऊपर आई थिंक बात की है कि यूएई में वो अब तीन रुपये का यूनिट बिजली का टेंडर एक्सेप्ट किया है यू की हुकूमत ने यानी कि जो बना के देगा वो तीन रुपए में ख़रीदेगी यूएई हुकूमत यहाँ पे हमारे कोल के जो प्लांट्स हैं हम उनको साढ़े आठ रुपये और नौ रुपये पे वो बिजली खरीद रहे हैं और अगर तेरह हज़ार मेगावाट का प्लांट अगर आप लगाते हैं और उसकी कीमत अगर, अगर आठ रुपये हो और उसको अगर यू में वही प्लांट लगे या जो उस बिजली देगा और उसकी कीमत तीन रुपये यूनिट हो तो पाकिस्तान के कंज्यूमर को हर साल 300 मिलियन डॉलर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और ये अगले तीस साल के लिए करना पड़ेगा बिल्कुल तो सर बात बात आप जाता है जो उन्हें तो गाइड करते हैं जो बताते हैं उसका सारे का सारा बर्डन एट दवाम को ही भुगतना पड़ रहा है मनान साहब क्या कहेंगे वो जो तजुबाकार टीम थी वजीर आजम साहब की वो इंतजार इकतदार में आने के बाद इलेक्शन के बाद वो ना तजुर्बाकार क्यों हो जाती है देखें सियासी लोगों के पास दो डॉक्टर साहब कुछ फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब फरमा लें पहले जी नहीं मैं आप कुछ फरमा रहे कुछ कह रहे हैं मैं बिल्कुल ये कह रहा था कि ये अब जो सियासी लोग हैं पी एम एल एन में जैसे मनान साहब बैठे हैं अब इनको सवाल उठाना चाहिए कि ये लेट डाउन किसने की है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लगानी चाहिए और मेरा ख़्याल है वज़ीर से लेके नीचे तक हर डिस्को की हर एन टी डी सी की इन सारों की एक अकाउंटबिलिटी करानी चाहिए कि किस जगह पे ये जो है गैप आया है प्लानिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में और इसका सवाल सबसे पहले मेरा ख़्याल है पी एम एल एन को पूछना चाहिए इन अदारों से ठीक है मियां अब्दुल मनान साहब जी डॉक्टर साहब पिछले हफ्ते नेशनल असम्बली तशरीफ़ लाए थे स्टैंडिंग कमेटी ऑन फिनास में और इन्होंने यही सारी बड़ी कम्प्रहेंसिव ब्रीफिंग दी थी और उसके बाद मैं ख़ुद वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री गया था तो हमने उनसे जब ये सारी बातें पूछी जो डॉक्टर साहब ने हमें ब्रीफ दिया था तो हमें डॉक्टर साहब आपकी इतला के लिए ये जवाब वहाँ से मिला कि दो साल तक पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग थी वो ही ठीक नहीं हो रही थी और हमारा बहुत सारे प्रोजेक्ट पे फाइनेंशियल क्लोज नहीं हो रहा था क्योंकि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं वो दिलचस्पी शो नहीं कर सक रहे थे लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला के फ़जल से चाइना ने जब हमारा सी पैक पे आके 32 बिलियन डॉलर पे पा, पावर सेक्टर पे आके अपना इंटरेस्ट शो किया तो अब एक तो शेखुपुरा में मेरे हबीब रफ़ीक के वो मिले थे मालिक उन्होंने कहा जी के शेखुपुरा में हमारा काम तेजी से हो रहा है और 2017 के एंड में हम 1320 मेगावाट का वो यूनिट मुकम्मल कर देंगे नीलम जेलम भी 2017 एंड पे मुकम्मल होने जा रहा है और एलएनजी का जो हमें फायदा हुआ है कि वो डॉक्टर साहब जो मुझे ब्रीफिंग दी गई है कि जिन एल एन जीवर्ट कर जिनका जिनका आगाज में जिक्र मैंने किया था हाँ, आप लोगों के सामने आप रखे थे नहीं, आप नहीं, तो पूछ सकते हैं कि बहुत सारे मंसूबे उन पर काम शुरू ही क्यों नहीं हुआ नहीं अब, मैंने जो प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है मैंने वो आपको बताए हैं और तरबेला एक्सटेंशन फोर और तरबेला एक्सटेंशन फाइव जो के बड़े दो प्रोजेक्ट तो है उन पर भी काम बड़ी तेजी से कर लेकिन उन पर काम शुरू नहीं हुआ उनका रिस्पॉन्सिबल कौन है मेरी बात सुने जो आपने सात वो बताए हैं जिन पे संगे बुनियाद रखा गया काम नहीं हुआ उन पे तो हम दावा ही नहीं कर रहे हम दावा कर रहे हैं डॉक्टर साहब की मौजूदगी में फोर पे तरबेला प्लांट पे, पे साईवाल प्लांट पे जिन अच्छा। पे बड़ी तेजी से काम जारी है खिताब भी किया कहा गया बिजली पैदा होगी लेकिन दावा हाँ। नहीं कर रहे अब्दुल मनान साहब देखिये मैं ये कहूंगा की अगर ये कर भी लें अल्लाह करे ये हो जाए कौन तो यही चाहती है ना कि लोगों का मसला हल हो और ये हुक्मरान जमात ने जो बुलंद दावे किए थे अभी आपने क्लिप्स की शक्ल में वो दिखाया भी मियाँ साहब का भी छोटे मियाँ साहब का भी बड़े मियाँ साहब का भी लेकिन मसला ये है कि ये सारे जो मियाँ मनान साहब जिनका जिक्र कर रहे हैं जिन प्रोजेक्ट से अगर वहाँ पे ये जनरेशन शुरू भी हो जाए नेशनल ग्रेड में आ भी जाए साथ यह तो मसला हल नहीं होना आप ये देखें कि हर साल हमारी डिमांड में इनक्रीज़ क्या है शहरों के अंदर इस तेज़ी के साथ आबादी जो बन रही है नई बिल्डिंग्स बन रही हैं नई चीजें हो रही हैं क्या ये जो पिछला हम लेके बैठे हुए हैं जी ये 6000 हजार का मेगाफॉट का हमारा शॉर्ट फॉल है जब आप तीन साल बाद आएंगे तो उसमें दो चार हजार की डिमांड हमारी बढ़ जाएगी इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है सही। कि यानी ये मसला तो एक इस तरह का मसला है कि इस पर जिस तरह प्रायोरिटी के ऊपर इसको हैंडल करना चाहिए था वो प्रायोरिटी के ऊपर हैंडल नहीं हुआ दूसरा साथ यह जब तक की प्रायोरिटी में ये हाइड्रल पावर जनरेशन की तरफ नहीं आते उस वक्त तक कौन को रिलीफ नहीं मिलेगा आप बिजली दे दे उसे उसे कहे जी पचास रुपए यूनिट होगी इसकी प्राइस जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कोयले पे बिजली पैदा करने से तो अरबों डॉलर पाकिस्तानी अवाम के ऊपर एक अजाफी बोझ बनेगा तो हाइड्रल पावर जनरेशन जो पचास पैसे और एक रुपया पर यूनिट जो हमें कॉस्ट करेगी उसकी जानब हकूमत की सिरे से कोई तवज्जो नहीं है उसके ऊपर तवज्जो होनी चाहिए और मैं ये समझता हूं जियो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी पिछले दो तीन साल में ऑयल प्राइसिस जिसका जिक्र डॉक्टर साहब ने किया ये तो किसी हकूमत को यह सुनहरी मौका नहीं मिला यानी ये इतनी जबरदस्त ये अपॉर्चुनिटी थी कि जिसको सही तौर पे यह अगर अवेल करते और आवाम को थोड़ा सा सुख का सांस देते मैं ये समझता हूँ इसमें मिसमैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा दखल है और दूसरा प्रायोरिटीज है ये वो, दामों वो, से आगे नहीं बढ़ी जो अपॉर्चुनिटी थी उसको यूटिलाइज नहीं किया गया सही तरीके से अवेल नहीं किया गया एक ब्रेक ले लेते हैं ब्रेक से वापस आकर इसी डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे स्टेट्यून प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदी डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस हुकूमत की तरजीहत में आ, और फिर कोई इसकी मुखालफत नहीं कर रहा लेकिन बात तरजीहत की ज़रूर आ जाती है कि जी मेट्रो इसके अफ्तह हो रहे हैं कल कल ही वज़ी अजम साहब सड़कों की अफादियत बता रहे थे इन चीज़ों की अहमियत से इंकार नहीं लेकिन दूसरी जानब ये जो आ, हर गर्मी के मौसम में बिजली की लोड शेडिंग अभी सर्दियाँ आएँगी तो गैस की लोड शेडिंग का आवाम एक बार फिर से रोना शुरू कर देंगे तो इन चीज़ों का पर्मांट हल क्यों नहीं निकलता इतने सालों से जो पाकिस्तान में इस में सैलाब आ रहे हैं तबाही होती है क्या अगर डैम्स बना दिए जाते पानी स्टोर हो जाता उनसे उससे बिजली पैदा की जाती इन चीजों की तरफ क्यों तवज्जो नहीं है देखिए एक चीज तो यह है कि ये की भी बात है और मनान साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि जब ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर के पास गए और उन्होंने कहा कि जी हमारी क्रेडिट रेटिंग इतनी नहीं थी कि हम इन्वेस्टर्स को जी. ला सकें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बनती है फिर कि अब आप देखें कि पंजाब हुकूमत इश्तहार दे रही है अखबारों में कि हमने इतने अरब रुपये बचाए हैं फ्ला, फ्लाने प्रोजेक्ट में मनसाई वाल प्रोजेक्ट में यहाँ एक वो एलएनजी के ऊपर बिजली का पावर बनना है तो मैं पता नहीं दो दो सौ अरब के इश्तहार चल रहे हैं कि दो सौ अरब रुपया हमने बचाया है तो वो जब आप उसमें जाते हैं तो वो कैसे बचाया है वो ऐसे बचाया है कि फेडरल गवर्नमेंट के जो इदारे थे जिन्होंने ये साढ़े आठ सेंट का रेट सेट किया था उसके अंदर उन्होंने एक एकजम्शन ली हुई है कि एक मेगावाट की जो कैपेसिटी है वो 1.6 मिलियन डॉलर्स की होगी तो जब इन, पंजाब हुकूमत ने वही प्रोजेक्ट ख़ुद लगाया तो वो उसकी कॉस्ट जो है वो 1.6 मिलियन डॉलर से तकरीबन आधी आई है और उसकी बेसिस अच्छा। पे पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि हमने इतने अरब रुपए बचाए हैं तो अगर आपने वाकई ये इतने अरब रुपए बचाए हैं तो फिर आप नेप्रा को और पीबीआईबी को और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर के ऊपर आप नैब की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे कि उन्होंने फिर कैसे 1.6 मिलियन डॉलर्स का एस्टिमेट देके एक इतना ऊंचा टैरिफ खड़ा तो कर दिया ये ये, ये असेसमेंट जो है वो ज़्यादा की लगाई गई असेसमेंट जो है वो फ़र्जी थी गलत थी या फिर वाकई हकीकतन बचा लिए नहीं वो असेसमेंट आपने लगा के उसकी बेसिस के ऊपर आपने एक टैरिफ बनाया यानी कि उस 1.6 मिलियन की बेसिस के ऊपर आपने कहा जी कि आप जो भी ये प्लांट लगाएगा उसको हम साढ़े आठ सेंट देंगे बिजली का निर् तो वो जब पंजाब हुकूमत लगाती है तो 1.6 मिलियन नहीं है वो 1.6 मिलियन से तकरीबन 1 मिलियन डॉलर पे आ गई है तो फिर इसका मतलब है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट्स दिए हैं जो लग रहे हैं वो बहुत इन्फ्लेटेड हैं और उनका अगर ऑडिट किया जाए तो उसमें फिर वो कम जब कीमत आएगी तो वो हमें रिकवर करनी चाहिए और जो फेडरल गवर्नमेंट के अदारों अच्छा। जिन्होंने वो एस्टिमेट्स बना के टेरिफ सेट करके वो अप्रूव करा के ठेके दे दिए हैं उनको फिर कटहरे में ला के खड़ा करेंगे जी आपने ये कैसे काम किया क्योंकि अब पंजाब गवर्नमेंट ने तो एविडेंस दे दी है कि ये इतनी कीमत नहीं है उससे बहुत कम कीमत है दूसरी बात फिर यह बनती है कि अगर हमारे बजट में तकरीबन देखें इस साल भी बजट जो बनेगा वो तकरीबन 60 अरब डॉलर का बजट बनेगा और मेरे ख्याल में आपको इतनी महंगी बिजली प्राइवेट सेक्टर से नहीं बनवानी चाहिए आपको वो खुद फिर अपने बजट के थ्रू आपको बनाना चाहिए ताकि वो सस्ते प्रोजेक्ट बने और उसमें से जब सस्ती बिजली आएगी तो फिर आपका इंडस्ट्री का पहिया चलेगा फिर आपका एग्रीकल्चर चलेगा फिर आपकी डेवलपमेंट होनी शुरू होगी और फिर प्राइवेट सेक्टर को भी, भी तो दो, दो से रिलाई नहीं करें और दूसरी बड़ी बात जो आपने पहले की के। फिर वो जो, विफाक के दारे जो से, से, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इतने महंगे प्रोजेक्ट या इतनी कीमत बढ़ा कर वो जो लगा रहे हैं उसका जवाब कौन देगा अब्दुल मनान साहब ये भी बताइएगा और फिर पीपल्स पार्टी के दौर में बल्कि वो प्रोड्यूसर साहब जरा वो क्लिप्स भी चलाइएगा जो शहबाज़ शरीफ साहब जो है मीनारे पाकिस्तान पर एहती कैंप लगाया था और वो विफाक के नारवा सलूक की भी शिकायत करते थे तो आज भी विफाक में फ़र्क इतना है कि उनके भाई की हुकूमत है तो आज वो शिकायत नहीं है पंजाब को विफाक से आज वो नारवा सलूक नहीं है क्योंकि कल सिंध हुकूमत भी इस पर काफ़ी बोल रही थी विफाक से शिकायात की बात कर रही थी खैबर पखतूनखा की हुकूमत को भी काफ़ी शिकायात हैं देखें डॉक्टर साहब ने बात क्लियर कर दी है सौ परसेंट के डॉक्टर साहब के तजर्बे को चैलेंज नहीं किया जा सकता साधिया बात ये है कि जब हमने पंजाब हुकूमत ने और मरकजी हुकूमत ने मिलकर अपने प्रोजेक्ट पे काम किया और हमने ये दो तीन प्रोजेक्ट जिनका डॉक्टर साहब ने जिक्र किया है उसमें तकरीबन 40 या 32 परसेंट जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है हमने सेविंग की तो ये जो सतारा तख्तियाँ लगी हुई हैं वो भाग गए वो भाग गया इस बात से जब हमने कहा कि 1.6 की बजाय पंजाब गवर्नमेंट वन आ, जो है मिलियन डॉलर पे पर मेगावाट पे काम करने जा रही है और हमने वो प्रोजेक्ट तकरीबन 40-50 परसेंट तक मुकम्मल भी कर ली है तो आप इस बार हम इस किस तरह आपको यह प्रोजेक्ट दें तो जो अभी आपने पहले जो लंबी लिस्ट बताई थी कि फला पे काम नहीं हुआ फलाह पे काम नहीं हुआ वो नहीं हो सकता क्योंकि जो भी प्राइवेट सेक्टर का ग्रुप इस रेट पे आएगा हम उसको काम देंगे क्योंकि ये कौम का पैसा है टैक्स पेयर का पैसा है और एक मसार सेट हो गई है वर्किंग हो गई है उस पर काम हो रहा है डेवलपमेंट हो रही है इंस्टॉलेशन हो रही है कि वन मेगावाट वन मिलियन डॉलर तो डॉक्टर साहब ने यह बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है कि इससे पहले जो दो तीन प्रोजेक्ट पहले भर, जो वफाकी माहरी ने बनाए हैं उनकी जरूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ठीक है लेकिन अब आप कह रहे हैं ना कि चले वो काम नहीं हो सकता उन प्रोजेक्ट्स पर जिनका आपने कहा कि जी वो प्राइवेट सेक्टर जो इस कीमत पर आएगा वही काम करेंगे लेकिन फिर महमूद रशीद साहब ये भी तो सवाल बनता है ना कि फिर इन द फर्स्ट प्लेस वो होते क्यों हैं अफ्त क्यों होते हैं वज़ी अजम साहब को वहाँ लेकर जाया जाता है उनसे फीता कटवाया जाता है वहाँ पर उनकी तकरीर होती है वहाँ पर भी तो काफ़ी पैसा लगता है ना फिर देखिए इसमें मैं ये समझता हूँ जी कि एक तो पहली बात जो शुरू में डॉक्टर साहब ने भी जिस तरफ इशारा किया था कि तीन चार तरफ से जब खींचाता नहीं होगी और इसमें फोकस्ड एक्टिविटी नहीं होगी वज़ी अल पंजाब यहाँ से पंजाब से उठ के जाके फेडरल के जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवली ये वहाँ पे इनका रोल रहा है पिछले पहले दो तीन साल में अब बात ये है कि ये मियाँ मनान साहब ये कह के बरियम नहीं हो सकते कि वन पॉइंट सिक्स मिलियन पे हो गई जी भाई असल बात बताएं क्यों हुई वहाँ पर सैफुररहमान की कंपनी है कतर के लोग हैं और 1.6 सिक्स मिलियन पर किसने की भाई आपकी गवर्नमेंट ने की है ना फेडरल गवर्नमेंट किसकी है मिया साहब की है तो जब आप लोगों के लोगों ने ये प्रोजेक्ट दिए हैं किए हैं उसमें किक बैक्स है, उसमें है, उसमें हैं हैं क्या है डॉक्टर साहब ने दबी जुबान में क्या है मैं खुल के ये कहता हूं कि नैब के पास ये केसेस जाने चाहिए ताकि एक्सपोज हो लोग और अब ये कह देना कि वो भाग गए हैं भाई नुकसान किसका हुआ सफर तो लोग कर रहे हैं लोग शिशक रहे हैं बिलक रहे हैं अस्पतालों तक में बिजली नहीं है किसानों की जमीनें उजड़ी पड़ी हैं वहां पे ट्यूब नहीं चल रहे है। तो यह कह देना कि जी वो लोग भाग गए हैं जो 40 फीसद वो इफ्त तो हुए थे लेकिन वह मुकम्मल नहीं हुए तो अब वो कैसे दोबारा ये सारा कुछ मैनेज करेंगे मैं ये समझता हूं कि इस पे हुकूमत को बैठ के प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर एक फोकस्ड एक्टिविटी होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर की बर रास्त वजीर आला पंजाब किसी तरफ खींच रहे हैं

क्योंकि देखें जो सरकारी निज़ाम है उसमें एक तो ये है कि ये 1.6 मिलियन वाला जो इशू है वो आई थिंक मिनिस्ट्रीज़ को अब अकाउंटेबल उसका करना चाहिए दूसरी चीज़ ये भी है कि जब आपके पास लॉसेस जो हैं अदारे जो हैं डिस्कोज हैं ट्रांसमिशन लॉसेस कोई 28 परसेंट के करीब जो लॉसेस पड़ रहे हैं अब प्राइवेट सेक्टर ये लोड बर्दाश्त नहीं करेगी अब आपको प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त देनी पड़ेगी कि वो अपनी बिजली ख़ुद बनाए और वो जब खुद बनाएंगे तो वो आप देखेंगे कि वो चार रुपये की बिजली बनाएंगे और वह पंद्रह रुपये की बिजली नहीं ख़रीदेंगे और फिर ये निज़ाम जो है सरकारी निज़ाम ये ये इस तरह से नहीं चल सकता कि आप पंद्रह रुपये सोलह रुपए की क्योंकि आप देखें आठ रुपये नौ रुपये की जब ग्रिड में आप खरीद आ, खरीदेंगे उसके बाद उसकी ट्रांसमिशन लॉसेस उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस उसमें अगर तीस पैंतीस फीसद जब आप ऐड करेंगे तो कंजूम कंज्यूमर जो है उसका तो वह भटा बैठ जाएगा इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस, बिल्कुल, इस, इस बिल्कुल, इंडस्ट्री का पहिया चल नहीं रहा तो इसलिए बहुत जरूरी है कि रिफॉर्म्स जो हैं उसमें आप इसको डीरेग्यूलेट करें और अब तो ये भी आ गया है कि आप हर गांव को अपनी बिजली दे सकते हैं सोलर की बेसिस पे उसके लिए ट्रांसमिशन तो की ये भी ये, ये तजावीज भी आ गई और वाकई ये वो तजावीज है जिन पर इस वक्त इस वक्त मुल्क में वॉर पर काम होने की जरूरत है आया होगा या नहीं ये हुकूमत ही बता सकेगी और हुकूमत की जो टेन्योर है दो तक की उसमें किए गए तमाम दावे मैं एक बात दावेगी और कह बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब मियाँ अब्दुल मनान साहब मिया महमूद रशीद साहब तीनों की तशीफ आवरी का बेहद शुक्रिया टाइम मेरे पास खत्म हो गया है ऑल फॉर टू नाइट आल सी यू टू इंशाल्लाह इजाजत दीजिए खुदा हाफिज